जय श्री कृष्णा दोस्तों, जायका जिंदगी का में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए इंस्टेंट रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाएंगे रवा डोसा। डोसा कोई भी बनाना हो, बाकी डोसों के लिए तो आपको दाल चावल भिगोने पड़ते हैं, रात भर उनको फर्मेंटेशन करनी पड़ती है और उसमें बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन अगर आपका डोसा इंस्टेंटली खाने का मन कर रहा हो तो आप क्या करेंगे, तो उसके लिए आप रवा डोसा बनाइए। ये बहुत जल्दी से बन जाता है और बहुत क्रिस्पी डोसा बनता है और खाने में भी बहुत डिलीशियस होता है। तो आइए देख लेते हैं हमने रवा डोसा कैसे बनाया है। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके लिए एक बाउल में हम आधी कटोरी सूजी ले लेंगे। उसमें हम ऐड करेंगे आधी कटोरी चावल का आटा और एक चौथाई कटोरी मैदा, आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच भुना हुआ पिसा हुआ जीरा, और इसमें ऐड करेंगे फाइनली चॉप्ड अनियन, जिंजर एंड ग्रीन चिली। साथ ही ऐड करेंगे फ्रेश कोरिएंडर लीव्स और इसके साथ ही करी पत्ता। करी पत्ता को हम हाथ से ही तोड़कर इसमें ऐड कर देंगे, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इसका एक लम्प्स फ्री बैटर तैयार कर लेंगे। हमें इसका एक बहुत पतला घोल बनाना है, इसके लिए हम धीरे धीरे पानी ऐड करते जाएंगे और इस तरीके का एक पतला घोल तैयार कर लेंगे। अब हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद हम चेक करेंगे, अगर आपको मिक्सर थोड़ा गाढ़ा लगे तो आप इसमें थोड़ा पानी और ऐड कर सकते हैं। अब हम गैस पर एक तवा गरम कर लेंगे और उस पर प्याज को रब करेंगे। इससे हमारा नॉन स्टिक तवा और भी अच्छा काम करेगा। बैटर को एक बार फिर से अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब अपने हाथ से ही स्प्रिंकल करते हुए इस तरह से हम बैटर गरम तवे के ऊपर फैलाते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से। वैसे तो आप किसी कटोरी से भी बैटर को पोर कर सकते हैं, लेकिन हाथ से ये बहुत ज़्यादा पतला और जालीदार बनेगा। अब इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल स्प्रिंकल कर लेंगे और किनारों पर भी थोड़ा तेल लगा लेंगे। अब हमें इसे लो फ्लेम पर ही लगभग 4 से 5 मिनट तक एक साइड से सिकने देना है। फिर हम धीरे धीरे इसे किनारे की तरफ से उठाते हुए इसे फ्लिप कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हम इसे फ्लिप कर देंगे। हमारा डोसा एक तरफ से बहुत अच्छी तरह से सिक चुका है। इसी तरह से हम इसे दूसरी तरफ से भी 4 से 5 मिनट के लिए सिकने देंगे। अब ये दूसरी तरफ से भी कुक हो चुका है। डोसा दोनों तरफ से बहुत अच्छी तरह से बन गया है। हम इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। डोसा बहुत ही क्रिस्पी बना है। इसी तरह से हम अपना पहले वाला प्रोसीजर फॉलो करते हुए सेम उसी मेथड से हम दूसरा डोसा भी तैयार कर लेंगे। इस तरह से हाथ से बैटर को स्प्रिंकल कीजिए, उसके बाद इसके ऊपर हल्का हल्का ऑयल स्प्रिंकल कीजिए और किनारों पर भी थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा दीजिए और इसे लो फ्लेम पर सिकने दीजिए। जब तक डोसा एक तरफ से सिक ना जाए और क्रिस्पी ना हो जाए, उसके बाद हम इस डोसे को टर्न कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। इस तरह से हम दोनों तरफ से डोसे को सेक लेंगे। डोसा अब तैयार है और देखिए कितना क्रिस्पी बना है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम सभी डोसों को तैयार कर लेंगे। ये लीजिए हमारे इंस्टेंट क्रिस्पी रवा डोसा तैयार हैं। यहाँ मैंने इसे हरी चटनी के साथ और नारियल की चटनी के साथ सर्व किया है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको भी ये बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी और आपको इसे बनाने में बहुत मज़ा आएगा। खाने में तो आपको मज़ा आएगा ही। आप मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। चलते चलते मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमारा डोसा कितना क्रिस्पी बना है और कितना जालीदार बना है। ये देखिए।